वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपनी रूब्रॉफ। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं अपने बेबी के साथ फाइनली जो है घर आने वाली थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वाले वीडियो एक बार देख लें एंड उसके बाद क्या मैं आपको बताती हूँ। एंड जैसे कि मुझे डिस्चार्ज पेपर्स मिल गए थे इवनिंग के 7 PM को एंड मेरे हस्बैंड ने जो है ओला बुक किया था, उन्होंने XUV बुक किया था ताकि जो है हम आराम से जो है घर आ जाए। एंड बिकॉज मेरे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड स्कूटी लेके गए हुए थे, वहाँ पर पार्किंग में उन्होंने रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग चलिए मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से मेरा और मेरे बेबी का वेलकम किया था घर पे एंड बहुत ही हम अच्छे से खुश थे। तब मैं बेबी जो पल रहा फीड पे था, तो हम जो है रात को 2-2 आवर्स पे हमें बोला गया था उसको फिट करवाने के लिए, हम तुम 2 आवर्स उसको फिट करवाते थे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि मेरी बेबी जो है वो बर्प नहीं लेता था, तो उसको हम यहाँ पे रखते थे एंड वी ट्राई टू बर्प, लेकिन कभी कभी वो बर्प करता कभी कभी नहीं करता था। और उस टाइम ना वो कुछ हम देखा तो उन्होंने बहुत वॉमिट कर रहा था। एंड जैसे ही हम घर पहुंचे ना वो वाली रात स्पेशली, शायद उसको बहुत एनवायरनमेंट में चेंजेस उसको कहीं ना कहीं लगा, तो वो उस रात बहुत ही रोया, ऊपर सोया ही नहीं। हमने उसको बहुत ट्राई किया कंसोल करने के लिए बट फिर भी जो है वो मतलब कंसोल ही नहीं हो रहा था, रोए जा रहा था रोए जा रहा था। बहुत मुश्किल से उस दिन वो सोया। फिर नेक्स्ट डे पलड़ा फीड हमने किया उसको, 2 आवर्स में हमने खिलाया, लेकिन उस दिन भी ना वो बहुत वॉमिटिंग करने लगा। तो हमने सबसे पूछा रिलेटिव से अचानक ये इतना वॉमिटिंग क्यों कर, हम लोग क्या करें, तो सब भी यही सजेस्ट करते हैं उसको अच्छे से बर्फ करवा। हम कि बर्फ हम करवाते थे ऐसे नहीं कि हम बर्फ नहीं करवाते थे, वहाँ पे जैसे हमें सिखाया गया था हम उसे बर्फ करते, लेकिन वो बर्फ करता ही नहीं था मेरा बच्चा। फिर जो है वी थॉट कि हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए, एग्जैक्टली डॉक्टर भी बता सकते कि भाई बेबी को हुआ क्या है, वो इतना वॉमिटिंग क्यों, और ऐसा वॉमिटिंग करता था कि उसको नाक से भी उसका जो है मिल्क निकल आता था। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत डर गई थी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल भी जाना चाहिए। तो लगभग जो है उस दिन मेरा स्टिच भी, मेरा खुद का जो स्टिच था वो खुलने वाला था, मेरा अपॉइंटमेंट था उस डॉक्टर के साथ। एंड हमने जो सोचा कि पहले बेबी को दिखा देते हैं उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे, तो वी स्टार्टेड सर्चिंग ए पेडियाट्रिक जो कि हमारे लोकेशन के पास हो, क्योंकि अभी हम हर चीज़ के लिए तो भाई रेनबो नहीं जा सकते बिकॉज वो थोड़ा दूर है मेरे घर से, अगर कोई इमरजेंसी हो तो बहुत दूर हो जाता है हॉस्पिटल। तो हमने ये सोचा कि अगर घर के पास ही कोई पेडियाट्रिक होंगे तो अगर कोई इमरजेंसी भी हो तो हम जल्दी से उनके पास जाके दिखा सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल के। तो फिर जो है हमने अपने ऑनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक स्पर्स हॉस्पिटल करके है कावेरी नगर में है एंड उनका डॉक्टर डॉक्टर अरुण करके बहुत अच्छे पेडियाट्रिक है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाके एक बार बेबी को दिखा के आओ। तो हमने सोचा कि ठीक है, मैं तो कल स्टिच भी खुलने वाली है, तो हमने सोचा कि सुबह जो है पहले बेबी को दिखा देते हैं, फिर शाम को जो है मैं अपना जो भी है मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मैं अपना चेकअप करवा लूँगी, स्टिच वगैरह खोल के आ जाएंगे। हमें नहीं पता था कि आगे इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिर जैसे हमने हॉस्पिटल गया वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया एंड डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि बेबी को जॉन्डिस है। तो उन्होंने हमें बहुत ही मतलब उन्होंने बोला कि व्हाट यू आर डूइंग, इतना लेट आप क्यों आए हैं, क्या कर रहे थे आप इतने दिन, बेबी को आपको हॉस्पिटल लाना था और जल्दी लाना था, बेबी का जो है जॉन्डिस हो गया है एंड वो बहुत हाई लेवल पे है। फिर उन्होंने तुरंत ही एक ब्लड टेस्ट दिया, उन्होंने हमें बोला कि अगर हो सकता है तो आपको आज यहाँ पे एडमिशन करना होगा, बेबी को हम लोग तुरंत ही फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बेबी का तो NICU में जब था मेरा बच्चा तो वहाँ पे तो उन्होंने एक फोटोथेरेपी किया था, तो हमारा दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि बेबी को शायद जॉन्डिस हो सकता है बोल के। तो फिर उन्होंने जो है कुछ टेस्ट किए बेबी का एंड जो बिलरुबिन था वो बहुत ही हाई था, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करो एंड बच्चे का जो है फोटोथेरेपी जो है स्टार्ट करो। एंड फिर जो है हमने बच्चे का जो है फोटोथेरेपी स्टार्ट करवाया एंड उधर मम्मी थी बच्चे को मेरे वहाँ पे वो वेट कर रही थी उसका, एंड हम जो है हस्बैंड वाइफ हम गए थे फिर BTM, हमने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवाया एंड फिर जो है स्टिच वगैरह उनको मैंने पूछा कि मैम जो है खुल गया था उसका अभी कंडीशन क्या है, वो सूखा है कि नहीं, तो मैम ने बोला कि नहीं अभी सब कुछ सही है। उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दिया था मुझे, बोला कि आपको अभी रेगुलर बेसिस पे अभी कंटिन्यू जो है 1 मंथ के लिए लगाना है बोल के। देन आई वॉज से ओके एंड देन फिर मैं आई मेरे बच्चे के पास, उसका फोटो सेशन जब थेरेपी जब चल ही रहा था कंटिन्यूस वो चल ही रहा था एंड फिर उसको भी बीच बीच में मुझे फीड कराना था क्योंकि तब जो है मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट फीड वो कर ही रहा था। तो फिर मैंने उसको 2-2 आवर्स पे वहाँ पे मैंने जो है खाना पीना सब कुछ उसको मीन्स ब्रेस्ट फीड उसको मैं करवा रही थी 2-2 आवर्स पे। फिर उसको लेके फोटो थेरेपी में उसको फिर वो जो रहता है उनका जो सेटअप उस पर फिर डाल दी थी, फिर उसको निकाल दी थी, फिर फीड करके फिर उसको डाल दी। तो ऐसा कुछ मतलब बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट हो गया था तभी बस।
मुझे कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा था, मेरी मम्मी से सपोर्ट मिल रहा था, तो फिर भी चलो कुछ भी मतलब मैं कर भी ले रही थी। एंड उस टाइम मैं अपने बारे में पूरे ही भूल गई थी, मुझे सी सेक्शन में मुझे अपने केयर लेना है, मेरा दिमाग से वो पूरा निकल गया था, बस बेबी कैसा रहेगा, बेबी कैसा ठीक रहेगा, मुझे बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था। एंड फिर जो है आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टे ओवर देयर, तब और एक बार टेस्ट हुआ तो बिलीरुबिन उसका थोड़ा सा कम गया था, तो डॉक्टर बोले कि अभी आप घर जा सकते हो। एंड उसके बाद से बाय गॉड ग्रेस बेबी अभी बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, एंड उसके बाद से ऐसा सच हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई नहीं है। तो यही थी स्टोरी। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.